नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के पहले म्यूजिक वीडियो फिलहाल ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अक्षय कुमार का गाना फिलहाल यूट्यूब पर 800 मिलियन क्रॉस करने वाला 50वां सबसे फास्ट गाना बन गया। यूट्यूब चार्ट लिस्ट में ये इकलौता भारतीय गाना है। अक्षय कुमार के साथ इस गाने में नुपुर सैनन नजर आई थी। गाने को बी प्राक ने गाया है। इस गाने ने रिलीज होते ही धूम मचा दी थी। वही सिंगर बी प्राक ने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर कर एक पोस्ट के जरिए सभी को शुक्रिया किया। बी प्राक ने अपनी पोस्ट में लिखा, फिलहाल माइलस्टोन 50th फास्टेस्ट सॉन्ग टू क्रॉस 800 मिलियन ऑन यूट्यूब वर्ल्ड चार्ट्स, ओनली इंडियन सॉन्ग इन टॉप 50 एंड फास्टेस्ट इंडियन सॉन्ग टू क्रॉस 800 मिलियन व्यूज, थैंक यू फॉर द लव एंड ब्लेसिंग्स। वही हाल ही में खबरें आई थी कि अक्षय कुमार के गाने फिलहाल के पार्ट 2 के लिए कास्टिंग चल रही है, लेकिन अक्षय कुमार ने इसे फेक बताया था। अक्षय ने एक स्टेटमेंट में बताया था कि कोरोना के समय फेक न्यूज तो बहुत सुनी, अब फेक कास्टिंग भी हो रही। फिलहाल ये पढ़िए, हमें पता चला है कि कुछ लोग फिलहाल पार्ट 2 की कास्टिंग को लेकर फेक न्यूज चला रहे थे। हम फिलहाल की टीम ये साफ करना चाहते हैं कि ना तो हम, ना ही हमारा प्रोडक्शन हाउस या बैनर, या हमसे जुड़ा कोई भी व्यक्तिगत इंसान, एजेंसी, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी इस गाने के सीक्वल की कास्टिंग कर रहे। उन्होंने आगे लिखा, हम तो फिलहाल के सीक्वल के लिए किसी को भी कास्ट नहीं कर रहे, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिलहाल की कहानी आएगी और ओरिजिनल कास्ट और टीम द्वारा ही इसे लाया जाएगा। हम अपने फैंस और व्यूअर्स से ये अनुरोध करते हैं कि वे फेक कास्टिंग कॉल को नजरअंदाज करें। आपको बता दें कि इस म्यूजिक वीडियो से अक्षय कुमार और नुपुर सैनन ने पहली बार साथ में काम किया था। नुपुर सैनन बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन की छोटी बहन। इस गाने में दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। खैर, जो भी हो, कहना गलत नहीं होगा कि खिलाड़ी कुमार के इस गाने ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है।